नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। चलिए आइए माहिरे मुआशियात इस तमाम मामले को किस नजर से देखते हैं ये भी जान लेते हैं। माहिरे मुआशियात और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार जाहिद अतीक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब महंगाई के इस दौर में क्योंकि उसी पाकिस्तान का आप भी हिस्सा है जिस पाकिस्तान का मैं हिस्सा हूं और इन तमाम तर जो पॉइंट्स हैं जो नकात से उनसे आप वाकिफ होंगे। मौजूदा दौर में जहां पे एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो 16,500 रुपए है, ऐसे में जो मेम्बरान हैं पंजाब असम्बली के उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू सो वेरी मच, आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात शुरू कर दी। ये देखिए जिस तरह से अब हमारे मौजूदा इस वक्त मुशत के हालात चल रहे हैं, आप अगर बैन अवी सर्वे आज की रिपोर्टें देखें जो अखबारों में और मीडिया पे चल रही हैं और बैन अवी जो इंडिपेंडेंट सर्वे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान की मुशत जो है वो अपने न सिर्फ टारगेट से बल्कि हासी नीचे कम रह गई है। और ऐसे हालात में जब आपको आप कर्ज़ा लेने के लिए IMF की तरफ भाग रहे हैं, आपके पास FDR टैक्स कलेक्ट करने में फेल हो चुकी है और हमारे डे टू डे एक्सपेंस पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस हालात में इस मोसेस अवान के मेंबरान की इस किस्म की करारदाद को लेके आना और उसको चंद मिनटों में पास कर लेना अवाम के लिए बहुत मायूस करना है। जिस ग्राफ की आप बात कर रहे हैं और वो नीचे की जानिब जा रहा है, ये मौजूदा दौरे हुकूमत में हो रहा है या गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी ये ग्राफ नीचे की जानिब था? जो साबका हुकूमत थी वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशली या इंजीनियरिंग से जिस लेवल पे 5.4% पे इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़ा था, आज तकरीबन बैन अल-अक़वामी इदारों के मुताबिक ये 4% के करीब आ चुकी है। और इसका असर ये होता है कि इससे वेल्थ क्रिएट होनी बंद हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि कारोबारी जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉफिट नहीं कर रही, अब वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी और वहाँ पर ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। जिस तरह से कह रहे हैं कि 5.4 से अब ग्राफ 4 पर आ चुका है, इतना नीचे जाना, क्या मौजूदा दौरे हुकूमत के पास उस तरह के माहिरे मुआशियात नहीं? एक्चुअली अगर इमरान खान साहब के आप इर्द गिर्द देखें तो वहाँ पे जो एडवाइजर्स की शक्ल में लोग नज़र आते हैं ये अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग तो हैं, लेकिन ये चूंकि अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं और ये अवाम में से नहीं आए इसलिए इन्हें अवाम के मसाइल का उस तरह से अदराक नहीं होता। इमरान खान साहब एक शॉर्टकट से कोशिश तो कर रहे हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन के जरिए इस बुहरान से निकलें, लेकिन ये बुहरान उस वक्त तक उस बुहरान से नहीं निकला जा सकता जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। और अगर ऐसे मायूसकुन फैसले आएंगे कि अवाम के नुमाइंदे जो कि अवाम, क्या सादा अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि कप्तान के पास तजुर्बाकार टीम नहीं? कप्तान के पास ना सिर्फ ना तजर्बेकार टीम है बल्कि उन्होंने जो तजर्बेकार खिलाड़ी भी अपने साथ मिलाए हैं वो सिर्फ बातों के टार्जन हैं, वो बातों की हद तक टेलीविजन पे बैठ के जंपिंग करते हैं। प्रैक्टिकली अवाम इस वक्त आप देखिए अफराते जर की शरह पाकिस्तान की 30 साल तारीख में कभी इतनी नहीं बढ़ी जो अब बढ़ी है और लोगों की कूफते खरीद दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। अब तो जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जो बिलों में होशरुबा इजाफे हैं गैस के बिलों में, बिजली की बिलों में, पेट्रोल की कीमतों में, इसने गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया है। अच्छा, महंगाई के तनासुब के हिसाब से जो कि अब लोगों की तनख्वाहें हैं, हम मजदूर की तनख्वाह से ही बजट बनाने का तरीकाकार आपसे पूछ लेते हैं। 16,500 रुपए टैक्स भी देना है और बजट भी बनाना है, माहिरे माशियात होने की हैसियत से आप किस तरह से इसको एलैबोरेट करेंगे? बुनियादी तौर पे तो देखें 16,500 रुपए वाला शख्स जो भी अपनी जरूरत जिंदगी की चीजें खरीदता है उस पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली वो बेचारा ये जो टैक्स इसमें अपनी अशिया पे गुड्स पे करता है, ये कौन कहता है कि टैक्स तो नहीं होना चाहिए? कोई आइन है, कोई कानून है? एक्चुअली बिल्कुल हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि जिस कदर जिसकी हसीयत है उस मुताबिक वो टैक्स अदा करेगा। हुकूमत का फेलियर है, हुकूमत की मशीनरी का फेलियर है कि जो उमरा है, जो इस मुल्क का अमीर तबका है, अलीट क्लास है, वो तो ड्यू टैक्स देती नहीं और मुल्क को चलाने के लिए टैक्स इकट्ठा किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में अशिया पे लगा के, और ये इनडायरेक्ट टैक्स गरीब आदमी पे बहुत ज्यादा, इससे मुआशी इस्तेहसाल होता है। तो 16,500 वाला बंदा तो अब जीना क्या, वो तो वो उसके लिए जीना तो पहले से दोबर था, अब तो जो होशरुबा इजाफा अफराते जर में हो रहा है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आइन के लिहाज से, आइन के हिसाब से जिसने टैक्स नहीं देना वो टैक्स दे रहा है, यानी 16,500 वाला तबका जो टैक्स ना देने के जुमरे में आता है वो टैक्स
टैक्स दे रहा है, ऐसा कहना है माहिर मुआशियात। जी, अशिया के ऊपर जो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल की जा रही है, एक्चुअली ये गरीब आदमी के ऊपर लगाना नाजायज है। पाकिस्तान के अंदर आइन की रूह से कंजम्पशन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। गवर्नमेंट इस वक्त कंजम्पशन टैक्स सेल टैक्स की शक्ल में लगा के अपना रेवेन्यू पूरा कर रही है, जिससे लोगों का मुआशी इस्तेसाल हो रहा है। जाहिर साहब, अब ये भी आपसे जानना है हमें कि जो अराकीन पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, उससे हुकूमती खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? अमरीका तकरीबन 371 का मौजूदवान है, यहाँ पे 371 मेंबरान है, और जो बिल पास हुआ है उसकी रूह से तकरीबन 1,20,000 के करीब फी मेंबर की तनख्वाह में इजाफा हुआ, मरात निकाल के। जी, मरात निकाल के ये तकरीबन 60 करोड़ रुपए का सालाना बोझ आएगा। सिर्फ दुख मुझे इस बात 60 करोड़ सिर्फ मरात के बगैर, और अगर मरात शामिल कर ली जाए तो ये रकम मजीद इजाफा हो जाता है। इसमें वजीर आला की मरात भी है और इसके अंदर स्पीकर साहब की मरात भी है। कभी आप खुदा ना खास्ता आप भी कवरिंग करती है, जाके देखें जिस जिस गाड़ियों में मौजूद मेंबरान आते हैं इनको जेब देता है ये 1-1.25 लाख रुपए की बात करें, उन तो गाड़ियों में महीने का 1 लाख रुपए का। साहिब साहब, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है दुनिया के दूसरे ममालिक, वहाँ पे वजीर की लाइफ स्टाइल वजीर का कैसा है और हुकूमत उनको क्या मराद देती है और किस तरह तनख्वाहें देती है? अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक में देख लें तो आपको गूगल से बआसानी पता चल जाएगा कि जो मराद हमारे मुल्क में पार्लियामेंटेरियन हासिल कर रहे हैं हमारे पड़ोस ममालिक के इसका 1/3 हिस्सा है, 1/3 है। तो खास तौर पे जब आप कहते हैं कि मुल्क में जंगी हालात हैं और मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत बुहरान है, उस वक्त तो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, अवाम में बैठे हुए जो मौजूद मेंबरान हैं उनको ये बात जेब नहीं देती। इससे अवाम के दिलों पे तीर उड़ रही हैं, ये हरकत अवाम के दिल में नफरत पैदा कर रही हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि सर आप काइंडली इस बात का नोटिस लें और अगर ये कानून पास हो गया तो इसका ऑपरेशन कुछ अर्से के लिए फौरी तौर पर सस्पेंड करवा दें और ये इसका इजाफा किसी तरह भी अवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत का सबब बने। ठीक है, अब जाहिर साहब आपने एक हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री की भारत की मिसाल दी है, ये भी चाहूंगी कि आप डेवलप्ड कंट्री के वुजरा और इवन सदर और प्राइम मिनिस्टर के भी मिसालें दे दें कि उनकी कितनी तनख्वाहें हैं और मराहत कितनी है। जी देखिए, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जिस तरह आपने नाम भी लिया, वहाँ पे जो मराहत हैं वो ना तो वहाँ पे गाड़ी मिलती है जी, और अगर कोई गाड़ी मिलती है तो वो बिल्कुल जो लो स्लैब की लो लाइन गाड़ी होती है वो फैसिलिटी के लिए मिलती है। और यहाँ पे जिस तरह इन सब चीज़ों का अदराक था तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी की बात की ना, उन्होंने सादगी की बात की और सरकारी गाड़ियाँ बेचने की बात की, तो अब उन्हें ये चाहिए कि जो उनकी जिन सूबों में खास तौर पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर तो उनका लाइन ऑफ एक्शन नज़र आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बुज़दार साहब को देखते हैं तो वो छोटे छोटे कामों के लिए, तरक्याती कामों के लिए भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हैं, और इतना बड़ा फैसला जिससे 60 करोड़ रुपया, ये आना कहाँ से है? ये आपकी मेरी जेबों से निकल रहा है, ये गरीब आवाम का टैक्सों का पैसा है। अब जो अराकीन पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे होने की बात हो गई, बिल भी पास हो गया, इससे वो जो 16,500 वाला तबका था उसको टैक्स के बोझ के तले कितना ये धकेलेंगे और उसके ऊपर कितना वजन पड़ जाएगा? इस वक्त जो हमारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं उनमें जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक अगर किसी शख्स को रोजमर्रा जरूरियात की चीजें खरीदने के लिए पिछले साल 3,000 रुपए आज की डेट में एक साल पहले 3,000 खर्च करने पड़ते थे तो आज 4,500 खर्च करने पड़े हैं। तकरीबन 50% के करीब जो है उसकी कुव्वत खरीद कम हो गई है। इसमें डॉलर का इंपैक्ट भी है चूंकि आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, 30% के करीब डॉलर गिर गया है, 15 से 20% के करीब यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हर चीज फैक्ट्री कारखाने जो बिजली से चलते हैं गैस से चलते हैं उन्होंने अपनी शिया बढ़ा दी हैं। तो इस वक्त जो है मुल्क के जो हालात हैं इनके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी तौर पर जो है प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें, इस बिल का ऑपरेशन सस्पेंड करें ताकि जो गरीब आदमी पर इजाफी टैक्सों का बोझ आना है कम से कम वो रुके। और इसके साथ साथ आजकल वो बात कर रहे हैं कि FBR को हम बंद कर देंगे, नया अदारा ले आएंगे, तो FBR की तरफ से भी जो इकदाम है वो भी अनप्रोडक्टिव है। वही लोग जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं की बड़ी FBR अपनी एफिशिएंसी दिखा रही है, और वो लोग जो आपने चूंकि FBR का जिक्र किया है तो वो कहते हैं कि बात निकलेगी बहुत दूर तलक जाएगी। ये मुझे बता दीजिए कि जब से नया पाकिस्तान का नारा लगा है या नई हुकूमत आई है तब से बैंक अकाउंट्स में कितने लोग बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं और कैश पे कितने लोग बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, और अगर ज्यादा
रुझान अब कैश पे आ गया है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप देखिए मैडम कि दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे जो भी टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से किए जाते हैं। मुल्क की जितनी मईशत में इजाफा हो रहा होता है उसमें से टैक्स का कंपोनेंट निकाला जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो जो सिलेक्टेड क्लास, जैसे मैंने आपको एडवाइजर्स की, टेक्नोक्रेट्स की बात की, वो स्टेट बैंक के फिगर्स उठाते हैं कि इस शोबे के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है, वो उस पर टैक्स लगा देते हैं। रियल स्टेट का काम था, उस पर टैक्स लगा के उसको खत्म कर दिया। बैंकों के डिपॉजिट थे, अब इस मनी बिल के अंदर जो कि पिछले हफ्ते पास हुआ है कौमी असेंबली से, उसमें कहा गया है कि जो फाइलर होगा उससे हम बैंक ट्रांजैक्शन पे विद होल्डिंग टैक्स वसूल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपने एक्नॉलेज कर लिया कि जिसने भी पहले ये फैसला किया था उसने गलत किया था, उसको फिर जिम्मेदार भी करार दे ना। आज वही लोग जो है वही लोग फैसले करने जिम्मेदारों की, जबकि जिम्मेदारों की बात निकल गई है, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब और सूबाई वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्श साहब, उनकी कारकर्दगी कैसी है अब तक? बुनियादी तौर पे असद उमर साहब की कारकर्दगी इसलिए तसल्ली बख्श और कोई नुमाया नहीं है कि वहाँ पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त आजाद दाऊद साहब और असद उमर के दरमियान बटे हुए हैं, ये इनके आपसी इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं। प्राइम मिनिस्टर दो मुख्तलिफ डॉक्ट्रेन के पीछे जा रहे हैं, असद उमर का सेपरेट डॉक्ट्रेन है जबकि अब्दुल रजाक दाऊद साहब जो है उनका एक अलग इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड सेट। तो असद साहब है जी, वजीर असद साहब है, लेकिन इस वक्त एक पैरेलल वजीर का काम रजाक दाऊद भी कर रहे हैं। हाँ जी, और वहाँ पे इसलिए प्राइम मिनिस्टर इसी कन्फ्यूजन की वजह से कोई इफेक्टिव पॉलिसी लाने में उस तरह से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँच रहा है और पाकिस्तान की आवाम को क्या नुकसान पहुँच रहा है आलमी सतह पर? जब वक्त पे फैसले नहीं होंगे और जब प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्यूजन होगा तो उस वक्त फिर मुल्क के लिए जो बड़े इफेक्टिव डिसीजंस टाइम पे करने होते हैं उनकी तखीर जो है वो हमारी मौशी तरक्की में और इसी तरह से बैन अलावामी फैसलों में और पॉलिसी के अंदर जो है बड़ी कन्फ्यूजन का सबब बनती है और इससे फिर जो है मुल्क की तरक्की जो है वो उसकी पेस और रफ्तार कम हो जाती है। आपने ये भी बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब ये जो तमाम महंगाई का दौर चल रहा है और इसमें अब आप अराकीन पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में भी जब इजाफा कर देंगे मुकम्मल तौर पर ये बहाल हो जाएगा, वो तभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये डिसीजन रिवर्स कर लिया जाएगा या इसको टेक कर लिया जाएगा पूरे तरीके से, तो फिर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंटरनेशनल लेवल पर कैसी रहेगी और अब इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की टॉल पर्सनैलिटी की वजह से और उनके बोल्ड डिसीजन की वजह से इस वक्त जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान की तरफ रुझान है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपनी मजबूत और एक मुस्बत पॉलिसी के ज़रिए उनको एक लेवल फील्ड प्ले करें। चूँकि मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत से इन्वेस्टर्स ने रिसेंट डेज़ में प्राइम मिनिस्टर के साथ राबता किया है और उन्हें मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं उनकी कारकर्दगी और कन्फ्यूजन से आगाह किया है कि हमारे यहाँ जो है पॉलिसी में जो तसलसल नहीं है, इससे बैन अलावामी हो या मुकामी हो ये कारोबारी अफराद कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। और लास्ट में ये भी बता दीजिए कि जो तनख्वाहों में इजाफा इसके हवाले से आपका क्या पर्सनल एक माहिर मौशियात होने की वजह से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं इसकी जो है ना मुखालफत करता हूँ और इसको मायूसकुन फैसला करार देता हूँ और मैं चौधरी परवेज राई जैसे सीनियर और उस्मान बुजदार जैसे जो एक बिल्कुल मतवसत तबके से आने वाले शख्स से ऐसे बिलों की आइंदा मुस्तकबिल में उम्मीद नहीं करता। बहुत शुक्रिया जाहिद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद और तमाम मुआशियात के हवाले से हमने जितने सवाल पूछे हैं और इनके जो जवाब आए हैं, उम्मीद है कि इस तरह के माहिरीन जो हैं वो हुकूमती सतह पे भी हों ताकि वो आवाम का और मुआशियत का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हुए इसके ऊपर काम करें। आज की टॉप स्टोरी से आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।